अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफीक और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल इंग पे खुश आमदीद कहता हूं। लिसन एंड स्पीक इंग्लिश का एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लिसन एंड स्पीक इंग्लिश सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है 3 लेटर वर्ड्स नेम्स ऑफ थिंग्स, यानी ऐसे अल्फाज को हम पढ़ेंगे जो 3 लेटर पे मुश्तमिल हों और ये चीज़ों के नाम हैं, क्योंकि हम पहले चीज़ों के नाम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आप पिक्चर में देखें, ये एक लड्डू है बच्चों के खेलने के लिए, इसको इंग्लिश में टॉप कहते हैं और इसके स्पेलिंग है TOP, टॉप। और अगर इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाए तो इस तरह से लिखेंगे TOP, टॉप। इसको टॉप नहीं कहना आपने। इसके बाद स्मॉल लेटर्स में हम इसको लिख रहे हैं और ये है टॉप, TOP, टॉप। नेक्स्ट तरह देखें, ये एक खिलौना है बच्चे का जिसको इंग्लिश में टॉय कहते हैं, टॉय नहीं इसको आपने कहना। इसके स्पेलिंग्स देखते हैं, इसके स्पेलिंग है TOY, टॉय। कैपिटल लेटर्स में पूरा कंप्लीट वर्ड देखते हैं, टॉय, TOY, टॉय। स्मॉल लेटर्स में देखते हैं, TOY, टॉय। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये एक पिक्चर है जो कि चींटी की पिक्चर है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये इसके स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं ANT, एंट। चींटी को इंग्लिश में एंट कहते हैं। कैपिटल लेटर्स में वर्ड्स की शक्ल में देखते हैं ANT, एंट। स्मॉल लेटर्स में देखते हैं इसको ANT, एंट। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये बाजू है, इंसान का बाजू है और इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्म, लिखा हुआ है ARM, ये इसके स्पेलिंग्स हैं। ये आर को आपने साइलेंट करना है, खामोश करना है, इसको वाजे तौर पे नहीं बोलना, जैसे ये है ही नहीं, तो इसको इस तरह से कंप्लीट वर्ड की शक्ल में लिखेंगे आर्म, ARM, इसको पढ़ना नहीं आपने आर को, ये साइलेंट है आर्म। नेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में देखें, ये है ARM, आर्म। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम, तो ये गधे की पिक्चर है या तस्वीर है, तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इसको एस कहते हैं, इसके स्पेलिंग है ASS या ASS भी कहते हैं। कंप्लीट वर्ड लिखा हुआ देखते हैं कैपिटल लेटर्स में ASS, एस। स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखा होता है, ASS, एस। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पे लकड़ी है, लकड़ी को वुड कहते हैं और इसको फाड़ने के लिए, इसको चीरने के लिए ये एक हमारे पास एक औजार है जिसको हम कुल्हाड़ी कहते हैं या कुल्हाड़ा भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में एक्स कहते हैं। इसके स्पेलिंग है ASE, इसको कैपिटल लेटर में वर्ड्स की शक्ल में देखते हैं ASE, एक्स। स्मॉल लेटर्स में देखते हैं ASE, एक्स। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये कान है जिसे हम सुनते हैं, कान को इंग्लिश में ईयर कहते हैं, EAR इसके स्पेलिंग्स हैं और अगर वर्ड लिखा हो कैपिटल लेटर्स में तो ये EAR, ईयर। नेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में देखते हैं EAR, ईयर, तो कान को इंग्लिश में ईयर कहते हैं हम। नेक्स्ट आप देखें कि ये पंखा है, स्टैंड इसके साथ लगा हुआ है और ये टेबल पे रखने वाला फैन है, तो ये इस पंखे को इंग्लिश में फैन कहते हैं। इसके स्पेलिंग जरा देखें, FAN, फैन। वर्ड की शक्ल में देखें जरा कैपिटल लेटर्स में FAN, फैन। स्मॉल लेटर्स में देखें FAN, फैन।
नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि ये घरों में उड़ने वाली मक्खी है। मक्खी को इंग्लिश में फ्लाई कहते हैं। इसके स्पेलिंग जरा देखें, FLY। वर्ड की शक्ल में देखें, ऐसे लिखा होगा कैपिटल लेटर्स में FLY, और स्मॉल लेटर्स में इस तरह से FLY, फ्लाई। मक्खी को फ्लाई कहते हैं हम। नेक्स्ट पिक्चर देखें हम, ये एक बंदूक है, इंग्लिश में इसको गन कहते हैं। तो गन के स्पेलिंग्स देखें, GUN, गन। और अगर वर्ड लिखा हो कैपिटल लेटर्स में तो इस तरह से लिखा होगा GUN, गन। और स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखा होगा, GUN, गन। बंदूक को इंग्लिश में हम गन कहेंगे। जैसे ही ये हमारे सामने पिक्चर आए तो हमने इसको बंदूक नहीं कहना, हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमने इसको फौरन गन कहना है, और ये शक्ल आए या ये पिक्चर आए तो हम इसको फ्लाई कहेंगे। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये मुर्गी की पिक्चर है और इसको इंग्लिश में हैन कहते हैं। इसके स्पेलिंग जरा देखें, HEN, हैन। वर्ड की शक्ल में कैसे होगा, अगर ये अपर केसेस में हो तो, या कैपिटल लेटर्स में, HEN, एच नहीं कहना आपने, HEN। नेक्स्ट आप स्मॉल लेटर्स में देखें, HEN, हैन। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम, ये एक झोंपड़ी बनी हुई है, हिली एरियाज में या मैदानी इलाकों में आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में हट कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं झोंपड़ी। तो इसके स्पेलिंग्स क्या होंगे हट के, HUT, हट। और वर्ड की शक्ल में अगर आप देखें तो ये HUT, हट। स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखा होगा, HUT, हट। अब ये हमने कुछ चीजों के नाम याद कर लिए, इसको बार बार आप रिवाइज करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमने जो ये लेटर्स पिक्चर के साथ देखे हैं, अब इनको हम देखना चाहते हैं कि ये बगैर पिक्चर के हम इसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे ये नजर आएंगे। तो ये हमारी हेडिंग है, 3 लेटर वर्ड्स लर्न टुडे, यानी ऐसे अल्फाज जो 3 लेटर्स पे मुश्तमिल हैं और उसको हमने आज सीखा है। 3 लेटर वर्ड्स लर्न टुडे, ये है टॉप, TOP, टॉप। नेक्स्ट है TOY, टॉय। ANT, एंट। ARM, आर्म। ASS, AXE, एक्स। EAR, ईयर। FAN, फैन। FLY, फ्लाई। GUN, गन। HEN, हैन। HUT, हट। और जो आज हमने वर्ड सीखे हैं वो है 12। तो आप इसको वीडियो को रिवाइज करके बार बार इसको देख के इनको याद कर सकते हैं। टॉप, आपको पता है इसका मतलब क्या है, टॉय का क्या मतलब है, एंट, आर्म, एस, एक्स, ईयर, फैन, फ्लाई, गन, हैन, हट। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने वर्ड से आगे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आज हम पहले कुछ न्यू वर्ड सीखते हैं, सम न्यू वर्ड्स। सम का मतलब है कुछ, SOME, सम। NEW, न्यू। न्यू का मतलब नया। WORDS, वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब है अल्फाज। सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए अल्फाज। तो हम यहाँ पे लिखते हैं THIS। ये एक नया वर्ड है जिसको हम ये स्पेलिंग में तो लिखते हैं THIS, दिस, लेकिन पढ़ेंगे इसको दिस। तो ये कंबाइन करके, इकट्ठा करके ऐसे लिखा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं IS, इसको हम पढ़ेंगे इज। तो ये कंबाइन करके, इकट्ठा करके ऐसे लिखा होगा। नेक्स्ट है ए,
और ये हमने इसको एज इट इज यहां पर लिख दिया, यानी बिल्कुल हूबहू वैसे लिख दिया। लेकिन जब ये ए सेंटेंस में यूज होगा तो इसको ए नहीं पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। तो हम इसको इकट्ठा करके जरा लिखते हैं सेंटेंस की फॉर्म में। यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब है मिसाल। तो एग्जाम्पल में हम इन तीनों को इकट्ठा कैसे लिखेंगे, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। तो ये लिखा हुआ है दिस इज आ, दिस इज आ। तो इसके मीनिंग क्या है, दिस का मतलब है ये, इज का मतलब है, ए का मतलब है एक। दिस इज आ, ये एक है। दिस इज आ, ये एक है। अब क्या एक है, आगे इसके साथ हमने जो अल्फाज पढ़े हैं चीजों के नाम वो जोड़ेंगे तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, एक कंप्लीट जुमला बन जाएगा, एक मुकम्मल जुमला बन जाएगा। तो हम इसको फॉर्मूला की मदद से पढ़ेंगे, वो किस तरह से होगा। तो अब आप देखें कि मॉडल सेंटेंस का मतलब है हम एक ऐसा जुमला लिखेंगे जिसको देख देख के दूसरे जुमले हम बना सकते हैं, और उसको हम पहले वाले जुमले को हम कहेंगे मॉडल सेंटेंस। और इस स्ट्रक्चर को, इस साख को हम फॉर्मूला नंबर वन कहेंगे। हम जो भी मॉडल सेंटेंस पढ़ेंगे उसका कोई फॉर्मूला नेम होगा। तो फॉर्मूला नंबर वन में क्या होगा कि दिस, इसके बाद क्या आएगा हमेशा इज, फिर इसके बाद ये जमा का निशान, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लस साइन। जमा के निशान को क्या कहते हैं, प्लस साइन। यानी पहले दिस आएगा, फिर इज आएगा, फिर ए आएगा, लेकिन सेंटेंस में इसको आ पढ़ेंगे, फिर प्लस कोई भी जो चीज का नाम है वो आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बैग, तो इसको कहेंगे दिस इज अ बैग। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस जरा करने लगे हैं। ये लिखा हुआ दिस इज, आगे ये आपके सामने पिक्चर है, तो हम इसका, इस बैग का जो इंग्लिश वर्ड है वो यहाँ लिख देते हैं। दिस इज अ बैग, इसका मतलब है ये एक बैग है। दिस इज अ बैग, ये एक बैग है। और नेक्स्ट हम इसी तर्ज पे नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिस इज अ, ये हमें हमारे सामने जो पिक्चर है ये बैट है, तो लिख लेते हैं आगे इसको दिस इज अ बैट। नेक्स्ट देखते हैं हम दिस इज अ, ये बेड है तो आगे यहाँ पर बेड लिख देते हैं, BED बेड। तो इसको पढ़ेंगे दिस इज अ बेड, ये एक बेड है, या हम इसको आम जबान में बिस्तर भी कह देते हैं। तो इसको दोबारा से देखते हैं दिस इज अ बैग, ये एक बैग है। दिस इज अ बैट, ये एक बैट है या बल्ला है। दिस इज अ बेड, इसके साथ हम उर्दू नहीं लिख रहे, कोई और जुबान में इसको नहीं लिख रहे, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा जो तवज्जो या कॉन्सेंट्रेशन है वो इंग्लिश के ऊपर ही लिखे। अगर हमने किसी चीज को कहना हो ये एक कोई चीज है, तो हम दिस इज का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज अ बैग, दिस इज अ बैट, दिस इज अ बेड, और भी कोई आप जो यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने लगे हैं, एक्सरसाइज करने लगे हैं। यानी ये जो हमने मॉडल सेंटेंस पढ़ा है या फॉर्मूला नंबर वन पढ़ा है, इसकी एक्सरसाइज हम करने लगे हैं। एक्सरसाइज का मतलब होता है मश्क। मश्क करेंगे तो फिर हम जो है वो ज्यादा सीख सकेंगे। तो हम एक्सरसाइज की मैं स्पेलिंग लिखता हूं यहां पर, EXERCISE, एक्सरसाइज। जब भी आपके जेहन में आएगा एक्सरसाइज, तो इसका मतलब है कि हम मश्क कर रहे हैं। जो हम वर्जिश करते हैं उसको भी एक्सरसाइज कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसके मीनिंग है कि मश्क कर रहे हैं हम। तो वो जो मॉडल सेंटेंस है या फॉर्मूला नंबर वन है, फॉर्मूला की स्पेलिंग है FORMULA। तो इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। तो देखें ये क्या है मॉडल सेंटेंस हमारा, दिस इज अ बैग। तो अब हमारे सामने पिक्चर आती जाएगी तो हम उसको इसी तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। तो पहले हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर, क्यों लिखा हुआ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब है सवाल। तो लिखा हुआ है डिस्क्राइब द थिंग इन द पिक्चर, के जो तस्वीर आपको दिखाई जाएगी उसके अंदर जो भी चीज है उसको बयान करें। डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करें। डिस्क्राइब द थिंग इन द पिक्चर, थिंग का मतलब है चीज और पिक्चर का मतलब है तस्वीर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, सवाल हमारा क्या है, डिस्क्राइब द थिंग इन द पिक्चर। तो ये हमारे पास जो एक पिक्चर आ गई है, तो हमने इसको इस मॉडल सेंटेंस के मुताबिक बोलना है। तो हम इसको, अगर हमें कोई कहे कह के बताएं ये क्या है, तो हम उसको कहेंगे दिस इज अ डाई। नेक्स्ट है दिस इज अ काउ।
दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ कार, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैप, दिस इज अ कप, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ बॉय। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज अ डाई, दिस इज अ काउ, दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ कार, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैप, या कैप भी कह सकते हैं आप अपने जो भी इलाकई लहजे में कह सकते हैं हम, लेकिन ब्रिटिश इसको कैप कहेंगे, इसको कैट कहेंगे। दिस इज अ कप, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ बॉय। और आज का हमारा जो सेंटेंस है जिसको हम कहेंगे द सेंटेंस ऑफ द डे, इसको मैं पढ़ रहा हूं, आपने सुन को इसको याद कर लेना। इससे पहले भी हमने दो जो लेसन थे या लेक्चर्स थे उनमें हमने इस तरह के सेंटेंसेस को याद किया, तो आपने अपनी जो वो मेमोरी में अपनी याददाश्त में इसको पूरी तरह से महफूज कर लेना है। ये लिखा हुआ है RESPECT, रिस्पेक्ट, YOUR, योर, PARENTS, पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इसके मीनिंग क्या है कि अपने वालिदैन की इज्जत करें। अगर ये कहना हो हमने किसी को नसीहत करनी हो, बच्चों को कहना हो, या अपने स्टूडेंट्स को कहना हो कि अपने वालिदैन की इज्जत करें, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो आज के लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं, एक नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।